हेलो एंड वेलकम टू 17th एपिसोड ऑफ नी पेन रिलीफ सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट एक्सरसाइजेस के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नी रिप्लेसमेंट एक्सरसाइज के फेज वन के बारे में, यानी कि जब पेशेंट नी रिप्लेसमेंट करवा के घर आता है तो उसने फर्स्ट से लेकर सेकंड वीक तक क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने नी को स्ट्रेट कैसे रखना है, रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ाना है, वो सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद मेरा सेकंड एपिसोड आएगा जिसमें हम एडवांस एक्सरसाइज बताएंगे जो कि 2 वीक्स के बाद पेशेंट ने करनी होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि कैसे हमने शुरू करना है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मेरा एक और वीडियो आ चुका है कि नी रिप्लेसमेंट किन किन लोगों को करवा लेना चाहिए, और एक और वीडियो था जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब स्टेज यानी कि Grade 3 और 4 हो जाता है तभी हम इस नी रिप्लेसमेंट को करवाते हैं। तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, कैसे उसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन से ग्रेड में कैसे हमारा जो एक्सरे है वो कैसे देखा जाता है, वो सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन में से उसके लिंक्स में जरूर उसको देख लेना क्योंकि ये एक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा Grade 3 कौन सा Grade 4 और हमें कब नी रिप्लेसमेंट करवाना है। इसकी नॉलेज होगी तो आपको एक अटैचमेंट रहती है अपनी बॉडी के साथ भी और अपनी एक्सरसाइज के साथ भी कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब नी रिप्लेसमेंट के बाद हमारे सबसे पहले जो गोल होते हैं वो होते हैं कि एक तो नी से इन्फ्लेमेशन को कम करना, और जो एक्सटेंशन लैग होता है यानी कि पेशेंट का जब ऑपरेशन होता है उसके बाद नी थोड़ा सा ऊपर उठा रह जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन लैग, उस एक्सटेंशन लैग को कैसे खत्म किया जाए। थर्ड होता है पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन कैसे इंक्रीज की जाए, जैसे नी को फोल्ड करना और नी को बिल्कुल स्ट्रेट करना, तो ये रेंज ऑफ मोशन में आएगा। और उसकी लास्ट में आता है स्ट्रेंथ कैसे बनाई जाए, उसका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया जाए। तो हम उसी की तरह ये एक्सरसाइज करेंगे। अब सबसे पहले मान लीजिए अब किसी का ये राइट नी ऑपरेट किया है, और हाँ इसमें दो कैटेगरीज होती है, एक तो सिर्फ सिंगल नी ऑपरेटर यानी कि यूनिलेटरल नी रिप्लेसमेंट होता है, एक होता है बाइलेटरल यानी कि दोनों नीज का लोग इकट्ठे करवाते हैं, वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि एक ही बार रेस्ट लेना पड़ता है और एक ही बार एक्सरसाइज करना पड़ता है। हाँ, पर अगर Grade 4+ या Grade 3 या Grade 4 है तभी हम दोनों नीज का करेंगे। तो चलिए अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, कैसे हमने नी रिप्लेसमेंट के बाद एक्सरसाइज शुरू करना है। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना होता है कि जैसे हमारा नी, ये एक्सरसाइज आपने ऑलमोस्ट सारे मतलब काफ़ी वीडियोस में मैंने, क्योंकि नीज की ले दे के सिर्फ मतलब 10-15 एक्सरसाइज होती है नीज के राउंड, पर ये मैटर करता है कि हमने कब कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से मसल को टारगेट करना है। तो जैसे नी रिप्लेसमेंट करवाया पेशेंट ने, उसका नी इस तरह से फोल्डेड रह जाता है, कईयों का तो बिल्कुल सीधा लग जाता है, कईयों का फोल्डेड रह जाता है। उसमें हमने सबसे पहले कैसे करना होता है, सबसे पहली एक्सरसाइज के लिए पेशेंट ने एक तो अगर स्वेलिंग है तो उसके लिए आइस पैक जरूर। अब इससे पहले मेरा वीडियो आया था जिसमें आपने बहुत प्यार दिया है हमारी नी पेन रिलीफ सीरीज की जो किट है, प्रोडक्ट किट है, एक्सरसाइज किट है, उसको आपने बहुत अच्छे से उसके ऑर्डर दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि इसलिए मैंने वो वीडियो पहले बनाया था ताकि आपको पता लग जाए कि नी रिप्लेसमेंट में या बाकी सर्जरीज के बाद या बाकी एक्सरसाइज में कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली एक्सरसाइज। अब सबसे पहले हमने क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करनी होती है ताकि हमारा जो नी है वो पूरा नीचे लगना शुरू हो जाए। तो उसके लिए हम ये बॉल ऑब्वियसली इसको यूज करते हैं। अब मान लीजिए मैं राइट साइड में इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए राइट साइड पेशेंट का जो है वो अफेक्टेड है, उसने नी रिप्लेसमेंट करवाया। अब उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट और अपना जो पेशेंट है वो घर पे भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट या सेकंड वीक तो पेशेंट की जो फिजियोथेरेपी होती है वो घर पे ही होती है आफ्टर नी रिप्लेसमेंट यानी कि पोस्ट सर्जरी। तो इसको क्या करना है, नी के नीचे बॉल रख के हमने इसके इस तरह से इसको प्रेस कर देना है, इसमें 5 सेकंड का होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5 फिर छोड़ देना है। तो ये हो गया, इसके हमने 20 रेपिटेशंस करने हैं और दिन में ये 3 या 4 बार करे पेशेंट तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसको क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेंथ लाने के लिए। और दूसरा, अगर स्वेलिंग आती है तो आइस पैक के बाद 10 मिनट का आइस पैक लगाए पेशेंट अपनी नी पे, उसके बाद इसको हमने क्विक आइसोमेट्रिक्स करने होते हैं इस तरह से, यानी कि प्रेस किया छोड़ा, प्रेस किया छोड़ा, प्रेस किया छोड़ा, इस तरह से कम 50-100 रेपिटेशन हम करते हैं। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ के लिए। उसके बाद हम आएगा, इसके बाद VMO साथ ही शुरू हो जाएगा। ये मैं सीरीज वाइज बता रहा हूँ, मतलब सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ कि पहले हमने क्या किया और दूसरे उसके बाद क्या किया। अब इसमें क्या करना है, इसको थाई के नीचे रख के पेशेंट यहाँ से थाई पेशेंट की स्टेबल भी कर सकता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो थाई स्टेबल भी कर सकता है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको प्रेस करते हुए, थाई को प्रेस करते हुए इस तरह से नी को स्ट्रेट कर लेना है और पैर को अपनी तरफ खींच लेना है, इसको 5 सेकंड होल्ड करना है, 1, 2, 3, 4, 5 फिर रिलैक्स करना है।
क्योंकि ये जब हमने पूरा अचीव करना है, यानी कि जो उसका एक्सटेंशन लैग हुआ हुआ है 5 या 10 degree का, वो कैसे ठीक करना है, वो इसी तरह से ठीक होना है। इसको प्रेस किया, लेग को हल्का से रेज किया और पैर को अपनी तरफ खींचा, क्योंकि काफ स्ट्रेचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि काफ मसल की जो पंपिंग एक्शन है, उसका स्ट्रेच है, वो बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सरसाइज। इसी तरह से नी उठा होता है पेशेंट का, तो उसने क्या करना है, इस तरह से अपने हील के बिल्कुल एक्लिस टेंडन के नीचे या थोड़ा सा हील के पास इसको रख लेना है। अब क्या करेगा, पेशेंट ये जगह खाली होगी, अब पेशेंट इसको हील से भी प्रेस करेगा और नी से भी, यानी कि नीचे की ओर प्रेस करेगा, ताकि उसका जो हमारा क्वाड्रिसेप्स का ना, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ भी बनेगी और नी स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, जो हम अचीव करना चाहते हैं हमारे इनिशियल फेज में। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट बात होती है, जब नी किसी का फोल्डेड रह जाता है तो वो हमेशा के लिए ऐसे ही चलता रहता है, वो खराब करता है हमें। तो एक्सटेंशन लैग को इस तरह से हमने ठीक करना होता है। इसको हील को भी प्रेस किया और साथ ही नी को प्रेस करते हुए इसको धीरे धीरे नीचे की ओर प्रेस करके 5 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद रिलैक्स कर देना है। पहले हमने थाई के नीचे रखा था, अब हमने हील के नीचे रखना है। तो ये होगी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। अब फोर्थ एक्सरसाइज के लिए, वही VMO के लिए और क्वाड्रिसेप्स के लिए भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये लगातार एक्सरसाइज उसके लिए नहीं कर लेनी, ये 3 करने के बाद अब पेशेंट को थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन यानी कि फ्लेक्शन की ओर लेके जाना है। उसके लिए हमने क्या करना है, इसी तरह से रोलर रखेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो रोलर इसके नीचे रख लेंगे, हील के नीचे पेशेंट के, और ये सबसे ईजी तरीका होता है पेशेंट की फ्लेक्शन इंप्रूव करने का। अब धीरे धीरे वो असिस्ट भी कर सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इसके नीचे हाथ रख के पेशेंट को धीरे धीरे इस तरह से उसको कहेगा कि हमने हील से इसको रोल करे। अब पेशेंट ऐसे रोल कर रहा है, यहाँ पे रोक लिया, फिर उसको धीरे धीरे वापस ले जाना है। इतना अच्छा और सिंपल तरीका है इसको फ्लेक्शन को लेके आने का। इससे एक तो पेशेंट का अपना जोर भी लगता है, आप असिस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से हील को फोल्ड करते करते। अब देखिए कितनी अच्छी नी फ्लेक्शन शुरू हो रही है। तो हमने इनिशियल स्टेज में इसको 40-50, 50-60 degree तक बस रोक देना है, ज़्यादा फोल्ड करने की अभी कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हमारे अभी थोड़े दिन बाद स्टिचेस भी खुलने होते हैं। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे फोल्ड करते हुए इसको ले जाना है, क्योंकि मोबिलिटी और मतलब रेंज ऑफ मोशन, मोबिलिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद। इसी से पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन होता है इस तरह से रोल करते करते। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी स्ट्रेट लेग रेज। उसमें हमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी किसी ने नी रिप्लेसमेंट करवाया है, जब उसने अपनी लेग्स को इस तरह से ऊपर रखना होता है या बेड की तरफ ऊपर रखना होता है, तो वो क्या करता है, पेशेंट इस तरह से अपनी लेग को लिफ्ट करके ये ऐसे लेके जाता है। ये इसलिए लेके जाता है क्योंकि उसके क्वाड्रिसेप्स में, उसके हिप जो अबडक्टर्स हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती। तो स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करवानी पड़ती हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। अब हमने करना है स्ट्रेट लेग रेज, और ये जो नी रिप्लेसमेंट होता है मोस्टली 60 इयर्स के बाद ही होता है, तो उनका बैक का भी इशू होता है, ये ऑलमोस्ट लाजमी सी बात है। तो ये बैक का इशू होता है उनको, तो हमने बहुत रेयर केस होते हैं जिनका 50 में हो जाता है नी रिप्लेसमेंट, तो हमने बैक को भी ध्यान रखना है, इसलिए दूसरी लेग को फोल्ड कर लेना है ताकि बैक पे स्ट्रेस ना आए। अब क्या करना है, इसको धीरे धीरे हमने लेग को रेज करना है। अब क्या करते हैं, पेशेंट जब लेग रेज करने लगते हैं तो वे बिल्कुल ढीली छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनसे उठाई नहीं जाती। सबसे पहले तो नी को प्रेस करते हुए, नी को ऐसे ही खाली प्रेस कर लीजिए और उसको थोड़ा सा अकड़ा के उठाइए, थोड़ा सा स्ट्रेट करके उठाइए, और कम से कम 30-40 degree तक उठा के उसको होल्ड करिए और फिर रिलैक्स कर दीजिए। होल्ड करिए सिर्फ 2-3 seconds। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे ढीला सा उठाने की कोशिश करते हैं, उनसे उठता नहीं है, नी फोल्ड होने लगता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा नी को प्रेस करके स्ट्रेट करके और फिर हमने इस टांग को उठाना है। ये हो गया स्ट्रेट लेग रेज। अब ये हमारे क्वाड्रिसेप्स की भी स्ट्रेंथ बनाता है और हिप के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको 5 सेकंड होल्ड फिर रिलैक्स, इस तरह से हमने स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। इसके भी हम 10-20 repetition जैसे आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको कंडीशन देख के आपके अलाउ करता है, उस तरह से आप करिए। और उसके बाद हम फिर से करेंगे ये बॉल के साथ एडक्शन, वो हमने करनी है इस तरह, दोनों नीज के बीच में बॉल को फंसा लेना, मतलब रख लेना इस तरह से। अब दोनों नीज के साथ इस बॉल को प्रेस कर देना है, इसको भी 5 सेकंड होल्ड फिर रिलैक्स। अब जो मैंने बताया था कि जैसे नीचे से टांग ऊपर बेड पे रखनी होती है, तो पेशेंट को उठा के अपने हाथ से रखनी पड़ती है, उसके लिए एक्सरसाइज है। इस तरह से होल्ड किया 1, 2, 3, 4, 5, फिर हमने रिलैक्स कर देना है। तो ये हो गई हमारी सिक्स्थ एक्सरसाइज हो गई है। इसी तरह से एडक्टर के लिए हम एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो हमने बिल्कुल एंकल के पास रख लेना है बॉल को, और एंकल से इस तरह से प्रेस करवाना है 1, 2, 3, 4, 5, फिर रिलैक्स।
ये एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि जितनी स्टेबिलिटी हमारी है वो इंटरनल थाई मसल यानी कि हमारे VMO मसल की वजह से बनेगी, और उसको स्ट्रेंथन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके लिए हमने। और हाँ, अब फिजियोथेरेपिस्ट बीच बीच में स्ट्रेचिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब काफ स्ट्रेचिंग है और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग है, वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता देते हैं कि किस तरह से हमने करनी होती है। और इसमें हीट बिल्कुल नहीं देनी होती, कम से कम एक्यूट फेज में, क्योंकि ये अभी आइस पैक ही चलता होता है नी पे स्वेलिंग कम करने के लिए। और मोबिलिटी जरूर बनाएं। और नेक्स्ट आता है, जैसे हमारा किसी पेशेंट को ज़्यादा टाइटनेस लगती है, हैवीनेस लगती है नीज में, तो इस तरह से बेड पे बैठ के इस तरह से हल्की हल्की पेंडुलम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो पेंडुलम एक्सरसाइज करते हैं तो ग्रेविटी की हेल्प से और वैसे भी मैकेनोरिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन से वो पेन भी कम होता है और स्वेलिंग भी कम होती है, जिससे उनका हैवीनेस, उनका बर्निंग, जो भी उसको सेंसेशन होता है वो रिलैक्स हो जाता है। अब आजकल पेशेंट की अर्ली मोबिलिटी शुरू हो चुकी है नी रिप्लेसमेंट के बाद, तो जब हमने वॉकर के साथ चलना शुरू करना है, क्योंकि 3-4 दिन तो वॉकर के साथ चलना पड़ता है, मोस्टली कईयों को 1 वीक भी चलना पड़ता है, तो उससे पहले हमने हिप की भी स्टेबिलिटी लेके आनी होती है। तो हिप एबडक्टर्स की एक्सरसाइज हमने करनी होती है इस तरह से, एक लेग जैसे मैंने बताया था बैक को सपोर्ट करने के लिए, एक लेग को फोल्ड कर लें और इस तरह से हमने टांग को बाहर की तरफ लेके जाना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जब बाहर लेके जा रहे हैं तो पेशेंट इस तरह से रोटेट कर लेते हैं, सभी रोटेट करते हैं, हमने ध्यान रखना है कि जो उनका नी कैप है यानी जो पटेला है वो हमेशा छत की तरफ लगा रहे। इस तरह से हमने स्ट्रेट रख के जहाँ तक जा सकते हैं उसको यहाँ पे रोक के 5 सेकंड फिर रिलैक्स करना है। अब इसी तरह से हिप एबडक्टर्स की एक्सरसाइज करनी है। ये सभी एक्सरसाइज पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज फेज 1 की, यानी कि जैसे ही पेशेंट आता है उसको 2 वीक्स तक कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो ये नी रिप्लेसमेंट की एक्सरसाइज है। और हमने जैसे वॉकिंग करनी है वो वॉकर के साथ वॉकिंग करनी होती है, तो वॉकिंग के लिए भी हमने पूरा वॉकर का कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये हमारी नी रिप्लेसमेंट की फेज 1 की एक्सरसाइज है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको फेज 2 यानी कि 2 वीक्स के बाद कैसे एडवांस एक्सरसाइज करनी है नी रिप्लेसमेंट की, वो पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसकी छोटी सी फीस होती है मुझसे बात करने के लिए, इसमें 1-to-1 हमारी कंसल्टेशन होती है और मैं आपको एक्सरसाइज और आपको गाइड करता हूँ कि कैसे आपने आगे आगे अपने हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए क्या अचीव करना है। तो इसमें अपॉइंटमेंट बुक करिए और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिनके नी रिप्लेसमेंट हो गए हैं उनको भी और जिन्होंने अब करवाने हैं उनको भी ये ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताऊंगा कि इससे पहले एक और वीडियो आएगा, इस मतलब ये वीडियो के बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि नी रिप्लेसमेंट करवाने से पहले हमने कैसे मसल अचीव करने हैं, कैसे एक्सरसाइज करनी है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।